हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो कल आप लोगों ने देखा था कि मेरा वो सर्टिफिकेट आ गया था आइसोलेशन कंप्लीशन का, बट टेस्ट हम लोग कुछ दिनों के बाद करवा रहे हैं। तब तक मैं मास्क पहने रखूंगी। सुबह उठ के हनी बनी जस्ट उठे हैं, ब्रश कर रहे हैं। मैं उठ के नहा के पूजा मैंने कर लिया है, अभी बस उनसे मिलूंगी आफ्टर 10 डेज। वैसे तो बातचीत देखना सब कुछ हो रहा था, बट टच नहीं किया था, इतने दिनों तक टच नहीं किया है, तो वो लोग भी वेट कर रहे तो बस मिलती हूँ। मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो वो घड़ी आ गई, आ गई। हम जरा चलते हैं। हाँ भाई, नहा लिया? रेडी? कब का रेडी है? सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट विल हैपन। Dugu, see who is here, who is coming here. Can you come and see? Can you come and see? Can you come and see who is there? Now I can hug my baby. Who will come there? So how many days you have not come to mama? How many days, baby? 10 days. Mama will kiss after some days. Kissing part is left. I love you. I love you, bachcha. Unko sharam aa rahi hai abhi. उसको समझ में आ रहा है, शर्म आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गेम चल रहा था जो गेम ओवर हो गया है। डुगु, व्हाट गेम वाज गोइंग ऑन? इट वाज हाइड एंड सीक व्हिच वाज गोइंग ऑन। दैट वाज द व्हाई वाटर केम इन योर आईज। व्हाट हैपेंड? व्हाई वाटर केम इन? बिकॉज मामा इज क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। Guys, आगे क्या होता है ना, जो एयरपोर्ट पे फिलर आता है जब आप बुके वुके लेके जाते हो। बुके का अरे मैं सोच रहा था भी, पहले मैं इनके थोड़े से छोटे मोटे काम में लगा हुआ था, मैं कहा जब तक, वरना अभी कुछ मिठाई उठाई शाम को करते हैं मस्त सेलिब्रेशन। क्यों? लेट्स ब्लॉग टुगेदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? सो गाइस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में। ये थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो रही है। नहीं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। सो गाइस, बाहर आ गई हूँ। बाहर तो आ गई, मैं बोला मास्क हटा दे, बोल दिया नहीं अभी रुकते हैं। नहीं, अभी टेस्ट करा देंगे फिर, ठीक है। एंड एक बात बोलेगी, थैंक गॉड हमारे पास 2 बेडरूम था, तो एक रूम में मैं आइसोलेट हो गई, वरना आप लोगों को पता है कि मैं हनी बनी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर नहीं होता हमारे पास 2 BHK, तो वो शायद मुझे कहीं आइसोलेशन सेंटर में लेके रखते। नहीं तो 1 बेड होता तो भी चल जाता ना, मैं और हनी बनी। हाँ, जो भी हो, 2 कमरों का मिनिमम घर होना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट ये हुआ कि मैं घर में रही, मैंने देखा कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, बातें हो रही थी, हर चीज वो आके मुझे बताते थे, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खिलाना है, वो सब मैं उनको बताते, तो सेटिस्फेक्शन था कि हाँ खेल रहे हैं, खा रहे हैं। एक्चुअली अगर शायद ये घर पे नहीं होता और कहीं और होता तो शायद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मुझे नाप तोल और ये वो कुछ नहीं मालूम, तो मैं उसको दिखाता रहता, ये राइस इतना लिया है, ये लिया है, वो लिया है। मैं उधर परेशान हो जाती कि खाया नहीं खाया, मैं अच्छे से रिकवर नहीं। वैसे तो मुझे कुछ हुआ नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग। एंड एक बार जो लोग हॉस्पिटल में होंगे ना, मतलब उनका मैं समझ सकती हूँ कि आजू बाजू ना किसी से बात कर पा रहे होंगे, ना किसी को देख पा रहे होंगे, ना कुछ पसंद का खा पा रहे होंगे,
तो मतलब आजू बाजू वही सब चीज देख देख के ना, मतलब जो पॉजिटिव ने उनका चला भी जाएगा वो सब देख। तो जितना हो सके घर पे रहिए, मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो हॉस्पिटल में एडमिट मत होइए, है ना। हाँ मतलब ठीक है, इफ यू फील लाइक, अगर आपको कुछ वैसा लग रहा है तो वो पता नहीं, मैं मतलब इस पे ये कमेंट वाली चीज नहीं है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, देयर इज नो सजेशन। हमें पता नहीं कि वो क्या फील कर रहा है। एक ये होता है कि अगर कुछ हल्का फुल्का है तो बिल्कुल दिमाग पे लोड मत लीजिए, बिकॉज यार मैं जैसे उस दिन भी बोला था कि बचपन से लेकर आज तक कितनी बार सर्दी जुकाम और ये सब चीजें होती हैं, तो हमारी अपनी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम होता है जो उसको टेक केयर करता है। तो लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम लोग पैनिक हो जाते हैं और दिमाग एक ही चीज की तरफ को बार बार जाता है। हल्का सा नाक बंद हो जाए, ओ भाई ये तो नहीं हो गया। हल्का सा मतलब कभी सर में दर्द हो जाए, ओ भाई सर दर्द भी तो होता है ना, वो लिखा हुआ था वो सिम्टम में होता था। और कभी अचानक हल्का सा बुखार ना भी हो, वो लग रहा है कि यार थोड़ा सा, ये सब चीजें होती रहती है। बट लेट्स नेवरथलेस लीव दैट। सो चैंपियन इज हियर, वेयर इज बनू चैंपियन, कम 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 कम। नो डाउट डॉक्टर्स एंड नर्स तो ट्रेमेंडस काम कर रहे पिछले 1.5 साल से। मैं अपनी बहन जो सोनाली जो वो डॉक्टर है, वो भी कोविड ड्यूटी में अभी गई है, तो वो फोटो भेजती है कि वो कितना ज्यादा लेयर पहन के जाते, मतलब 6-7 घंटे तक ना वो खाना खा पाते, ना पानी पीते, ना वॉशरूम जा पाते। मतलब विदाउट अपनी जान की यू नो फिक्र करके, मतलब दे आर एज गुड एज अपने क्या बोलते हैं जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं। बट ये बात भी है कि वो आपको पर्सनल केयर नहीं कर सकते जितना आपके घर वाले आपका कर सकते हैं। वो तो उनको सबको देखना होता है ना, तो अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो घर पे रहिए आराम से, जूस वगैरह फ्रूट्स वगैरह पानी वगैरह, मोस्टली है कि पॉजिटिव रहिए, फ्रूट्स खाइए बस। आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे कीजिए। सो देयर इज नो सजेशन, नथिंग, इट इज जस्ट आवर एक्सपीरियंस व्हिच वी आर एक्सपीरियंसिंग। सो प्रोबेबली टू कुछ भी कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, मौज मस्ती कीजिए, जिंदगी के मजे लीजिए। हेलो एवरीवन, से हेलो, सी मामा, मामा इज आउट ना, यू कैन हग मामा ना। सो यू व्हाट यू वांट नाउ, व्हाट मामा प्रॉमिस्ड यू टू गिव, सरप्राइज, विद सरप्राइज। What do you want now? We will not buy police bike and car bed. Yeah. Will not buy? Yeah. Yeah. इनको शर्म आ रही है। हनी खाली मुझे को देख रहा है खाली। ओके इधर किस कर रहा है, इधर किस कर रहा है, देख रहा है। मामा पूरा सैनिटाइजर की बाल्टी से नाक लगा दी। चलो चलिए। चलिए गाइस, काम करते हैं। मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए हैं, अभी तक वो हिंदी में हग कर रहे थे, अब वो इंग्लिश में हग कर रहे हैं। चलो बाय बाय बाय, फालतू का मजाक था, टेक केयर, बाय बाय। अपनी फेवरेट जगह पे, तो बस अभी गोभी ही रखा था, कैबेज फ्रिज में, तो वही बना दे रही हूँ। हनी बने को पसंद तो नहीं है, बट और कुछ है नहीं सब्जी वगैरह, तो कल देख के उनके पसंद का कुछ बनाऊंगी। एंड जब तक टेस्ट नहीं करवाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो मना किया कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।
अगर आप अपनी तसल्ली के लिए कराना चाहते हो, एंड बहुत लोगों ने भी सजेस्ट किया कि 14 दिन के बाद करवाना, तो आज 11 दिन हो गया, तो और 3 दिन के बाद जाके टेस्ट करा लेंगे। तो तब तक सोच रही हूँ कि जब भी हनी बनी से बात करूँ या उनको खिलाऊँ या खाना बनाऊँ तो मास्क पहन के ही बना लूँगी, बाकी टाइम नॉर्मल रहूँगी। तो बस ये हो गया है, मतलब ये बनेगा अभी, साथ में चावल एंड दाल बना लूँगी, एंड हनी बनी के लिए देख के कुछ चिकन सॉसेस वगैरह उनके लिए सौते कर लूँगी, ये इन इससे वो इतने अच्छे से खाएंगे नहीं। तो बस यही है, तो चलिए बाकी का मशीन में कपड़े, मतलब कपड़े क्या, बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह सारा डाल दिया है, अभी उसको सुखा दूंगी। घर डाइनिंग टेबल वगैरह सब क्लीन कर दिया है अच्छे से, एंड जो चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए वहाँ पे सब रख दिया है, बट ये बन जाएगा तो हम लोग खाना। बनी का इधर बना दिया है एग एंड चिकन सॉसेस डाल के फ्राइड राइस टाइप का, इनको ये बहुत पसंद है, इसके दही के साथ में इसको खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बना दिया है, क्योंकि वो गोभी फिर अच्छे से नहीं खाते बिल्कुल भी, तो बस उनका खाना भी रेडी है। ये आके बोल रहे हैं मामा व्हाई नॉट मेकिंग फूड फॉर अस, इनका बना दिया है, बट सोच रही हूँ आज मैं उनको नहीं खिलाऊंगी, कल से खिलाऊंगी जब उनका पसंद का कुछ बना के फिर उनको मैं खिलाऊंगी, आज थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जीत को खिलाने देती हूँ। देखो मामा मेड दिस, व्हाट यू कैन गेट द फूड हियर एंड दिस फ्रॉम दिस रिमोट विल बी हियर। हु विल मेक यू ईट, मामा और डैडा? मामा। मामा नो, टुडे डैडा, टुमारो मामा विल मेक यू ईट, ओके? बोल रहा है यू आर वेल, यू मेक हनी बनी इट, मामा इज वेल, बट मामा विल मेक यू इट टुमारो, ओके? मेरा बच्चा टुमारो, मामा मेड फूड फॉर यू ना, योर फेवरेट, व्हाट इज दिस? चिकू। चिकू एंड इतने दिनों के बाद इधर बैठ के सोफे पे खाना खाएंगे, आजू बाजू बैठ के खाएंगे, हनी मनी का हो गया खाना, बस जीतर मैं इधर खा लेंगे, है ना, है ना? तो ये खाने से पहले मास्क उतारेंगे कि ये सब भी नहीं उतारेंगे? पता नहीं भाई, आजकल वो नया टाइप का वो देखा था व्हाट्सएप पे, ऐसे मास्क ही मुंह खुल जाता था, रुख खा लेते थे। हनी मनी बोले थे मामा क्यों नहीं खिला रहे, मनिकम 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 है ना, मामा का इरादा है भी नहीं आगे और कुछ खिलाने का, मेरे को लगता नहीं जब मैं घर पे हूँ तो ये खिलाएगी। नहीं नहीं ये अच्छे से खिला रहे, इनके डर के मारे वो थोड़ा खा भी ले रहे अच्छे से, तो मैं बना के दे दूंगी, आप जब घर पर आना आप खिलाना, ठीक है? चिकन इज ऑलरेडी देयर इनसाइड। तो चलिए गाइस आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, से बाय, टू से बाय, से बाय टू एवरीवन, फेयरवेल, आई डोंट आई डोंट आई डोंट वांट आई डोंट वांट This is the last one. Only chicken and little bhaji, only small one. खाना खा के बहुत ही मजा आ गया, क्यों? इतने दिनों के बाद मेरे हाथ का खाना। वो भी खाना खाते टाइम भी है, अभी देखो कितनी दूर बैठी हुई है। क्वारंटीन खत्म हो गया, इसके दिमाग का क्वारंटीन नहीं खत्म हो, इसका खत्म करना पड़ेगा। सो कल से जा सकते ना कहीं बाहर?
कुछ नहीं तो कम से कम देखो गाड़ी से घुमा के ले आऊ, गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा है ना, वही कहते लेकिन मजा आ गया बंदा। के खाने का ही मजा अलग है। हाँ कैबेज की सब्जी मुझे जो सूखे राइस के साथ में बहुत ज्यादा पसंद है, और उसने वही बनाया था, हमने कुछ भी आलतू फालतू की चीजें नहीं करी, अभी भी लगी हुई है खाने में। एल शेप में एक कोने में मैं एक कोने में वो, इस टाइप से। चलो धीरे धीरे जैसे हनी बनी शर्मा रहे थे ये भी शर्मा शर्मा के आई जाएगी। क्यों भाई शर्मा लड़की शर्मा गई बोल रहा है। चलो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद।